हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री एलसी भाई, स्वागत है आपका गुरु नीति यूनिक सीरीज कंडक्टेड बाय दी सीएलसी प्लेटफॉर्म। तो 63/90 एक यूनिक सीरीज चली आ रही है। फिजियोलॉजी कंप्लीट हो गई थी इसमें आपकी, और जेनेटिक्स पोर्शन के 5 वीडियो जो हैं वो पहले प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, 2 वीडियो और बचेंगे आपकी। इसमें आज अपन बात करते हैं लेक्चर नंबर 6 की, ठीक है। तो ये जेनेटिक्स का पार्ट 6 रहेगा। आज अपन मेनली बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस की, और सेक्स डिटरमिनेशन जो है उस सेक्स डिटरमिनेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसके दौरान प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। हमारे जितेंद्र सर थोड़ा सा गेट बंद करने चले गए थे क्योंकि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाए, क्यों? तो चालू करें जी। क्वेश्चन नंबर 201 जी, विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड मेल ग्रास ऊपर। मेल ग्रास ऊपर की बात कर रहे हैं, तो इसको देखने से पहले एक बार बच्चों को थोड़ा सा मैं सेक्स डिटरमिनेशन बता दें। हाँ बिल्कुल, हाँ क्यों सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों इसमें याद रखना आप मेल हेट्रोगेमिटी, और मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब होगा मेल दो टाइप के गैमेट बनाएगा, ठीक है। मेल हेट्रोगेमिटी में दो फॉर्म बन जाती है अपनी, एक कहलाती है XX XY टाइप, और एक कहलाता है XX X0 टाइप। यहां पर ये जो दोनों केसेस हैं ये तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये होमोगेमिटी है, लेकिन ये जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हेट्रोगेमिटी हो गया। दो टाइप की गेमिट यहां बन जाएंगे, दो टाइप के यहां बन जाएंगे, यानी फीमेल एक टाइप का बन जाएगा, फीमेल एक टाइप का। यहां पर याद रखना जो दो टाइप के गेमिट बनेंगे एक में तो एलोसोम होगा और एक में एलोसोम नहीं होगा, मतलब उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं, क्यों सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। और ऐसे ही फिर अगली बात करते हैं अपन फीमेल हेट्रोगेमिटी की, हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी की बात करें वही दो फॉर्म बन जाती है यहां पर, एक कहलाता है बच्चों ZZ ZW टाइप जी, और एक कहलाता है ZZ Z0 टाइप। यहां पर तो हेट्रोगेमिटी अपन ने किसको लिया था, मेल को, बिल्कुल। और यहां अगर बात करें तो फीमेल इंडिविजुअल जो है वो हेट्रोगेमिटी को रिप्रेजेंट करेगी। सेपरेशन कर देते हैं इनका, ये सेपरेशन हो गया। तो फीमेल दो टाइप के गैमेट बनाएगी, एक जेड बनेगा एक डब्ल्यू, एक जेड बनेगा और एक में एलोसोम नहीं पाया जाएगा, या गैमेट कैसा होगा, एलोसोम फ्री गैमेट कहलाएगा। इसका एग्जांपल आप याद रख लेना, एग्जांपल बन जाता है ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है, ठीक है। XX X0 की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स जैसे ग्रास ऊपर, इसकी बात कर लेते हैं, ग्रास ऊपर उसमें जो मेल इंडिविजुअल बनेगा एक में एलोसोम है दूसरे में नहीं है। फीमेल हेट्रोगेमिटी ZZ ZW बेस्ट एग्जांपल है इसका बर्ड्स, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो बर्ड्स में फीमेल एक एग तो कैसा बनाएगी, जेड वाला, एक एग कैसा बनेगा, डब्ल्यू वाला। एक सिल्कवॉर्म भी यहां पर आपको याद रखना है, बर्ड्स हो गया सिल्कवॉर्म हो गया सिल्कवॉर्म, जेड जीरो और जेड जेड। इसमें अगर बात करें तो इसका एग्जांपल बन जाता है अपना बटरफ्लाई और दूसरा मोथ, ये दो एग्जांपल यहां पर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं एक अनदर वर्ड आपको और बताने जा रहा हूं जितेंद्र सर जी, बच्चों को बता दें जी, बुखार ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका, हो गया। तो ये जो XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है ये कहलाता है लाइगेस टाइप, लाइगेस टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के नाम से जाना जाता है। और XX X0 जो है ये कहलाता है प्रोटीनर टाइप, इसको क्या बोल देंगे, प्रोटीनर, वो शायद उस मार्ग से चलेगा, ये कहलाएगा प्रोटीन, ठीक है। XX XY को तो क्या बोल दिया, लाइगेनियस, और XX X0 को क्या बोल दिया, प्रोटीन। XX XY टाइप दोनों ही इंडिविजुअल के दो दो गैमेट जो बनेंगे दोनों में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। यहां भी बात करें दोनों ही इंडिविजुअल के जो दो दो गैमेट बनेंगे दोनों में सेक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा। इसका मतलब है यहां पर तो हेट्रोगेमिटी मेल था लेकिन इस वाले केस में फीमेल हो गया, तो इसको अपन रिवर्स लाइगेनियस कह सकते हैं, इधर से रिवर्स लाइगेनियस, क्यों ये बन गया रिवर्स लाइगेनियस जी। यहां अगर बात करें हेट्रोगेमिटी मेल है, यहां अगर बात करें हेट्रोगेमिटी फीमेल है, इसका मतलब ये
प्रोटीनर का रिवर्स बन गया, रिवर्स प्रोटीनर। तो इसको बोल दिया अपने रिवर्स प्रोटीनर, रिवर्स प्रोटीन। तो बच्चों ये जो बातें आपको बताई हैं आप इनको याद कर लें, नीट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रोटीनर, लाइगेनियस और ये चार टाइप का सेक्स डिटरमिनेशन अलोंग विद इसके एग्जांपल, इसी मैनर में याद करें फीमेल हेटरोगेमिटी, मेल हेटरोगेमिटी। क्यों? यानी सेक्स डिटरमिनेशन के कई मेथड है। हाँ, कई मेथड। एक ही है क्रोमोसोमल वाला, ये क्रोमोसोमल वाला, और इसमें जो हेटरोगेमिटी का वो सेक्स डिटरमिनेशन करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। वो दो टाइप के गैमेट वाला, जैसे ह्यूमन की बात कर लें तो किस टाइप का स्पर्म जो है वो ओवा को फर्टिलाइज करेगा वो डिसाइड करेगा कि प्रोजेनी मेल बनेगी या फीमेल बनेगी। जी, क्यों? तो क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं। बिल्कुल। तो ये मैटर अपना पढ़ाइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भैया उतार भी लेना। विच क्रोमोसोम सेट इज फाउंड इन मेल ग्रास ओपर, मेल ग्रास ओपर की अगर बात करें तो मेल में तो कौन सा पाया जाएगा, ग्रास ओपर किस में है? ये वाला है। इसका मतलब है मेल में एक्स जीरो कंडीशन पाई जाएगी, ऑटोसोमल के साथ एक्स जीरो ऑप्शन नंबर टू बन जाएगा। ये डिप्लॉइड स्टेज है, इसमें ऑटोसोम का सेट होगी और ये एंडोसोम। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन अगर सेक्स डिटरमिनेशन से है तो ये अपना यहाँ रहेगा ही, बाकी अपन ऑप्शन देख लेते हैं इसका क्या रह जाएगा। जी, ये अलग क्वेश्चन है, इसको अपन इसको रिमूव कर देते हैं। हाँ बिल्कुल क्लियर। What would be the nature of children if a color blind woman marries a normal man? Yatindra sir, color blind woman है। यानी दोनों X जो है वो recessive gene वाले हैं। Color blind का मतलब? Allosomal recessive है ना? Allosomal recessive बन जाएगा। और normal man है। इसका मतलब normal। और अपने पूछ क्या रहा है? Children के nature पूछ रहे हैं। बेटियों की बता दे पहले। पहले बेटियों। बेटियों की मतलब इस X का इन दोनों X के साथ में। जी। XC X XC X बेटों की दोनों 100% जो डॉटर वो कैरियर हो गए डिजीज नहीं, और 0% डॉटर डिजीज कंडीशन बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही है। बेटों की बात कर लें तो ये बन जाएगा XCY। जी, और ये बात कर लें तो ये बन जाएगा XCY। 100% सन में डिजीज। बिल्कुल। तो सारे बेटे डिजीज्ड हैं, कलर ब्लाइंड हैं। 50% का रोल यहां पर कुछ नहीं है, 100% डॉटर कैरियर है। बिल्कुल। कलर ब्लाइंड डॉटर, कलर ब्लाइंड सन, कैरियर डॉटर, ये बात ठीक है। नॉर्मल सन है नहीं, कलर ब्लाइंड है। नॉर्मल सन है, कलर ब्लाइंड है, तो ये ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग होगा। क्यों? जी, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट चला जाएगा, पहले भी डिस्कस हो चुका है। ओ सॉरी, सेकंड चला जाएगा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करवा चुके हैं। चले अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 200 तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, बटरफ्लाईज डिफर फ्रॉम सिल्क वर्म। तो बटरफ्लाई वो सिल्क वर्म से किस तरीके से अलग है? जी, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, इंद्र से बच्चों के लिए लिख दें, बटरफ्लाई हेटेरोगेमेटिक कौन हो गई इसमें? हाँ, फीमेल। और कंडीशन कौन सी है? जेड जेड और जेड ओ, जेड जीरो, ये कंडीशन है जेड जीरो। ठीक है। और सिल्क वर्म की अगर बात करें तो बर्ड्स वाला, बर्ड्स वाला जेड 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 डब्ल्यू, जेड जेड और जेड डब्ल्यू। जी, बस ये बात है। यहाँ पे जैसे बटरफ्लाई इससे कैसे अलग है, तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ टू सेक्स क्रोमोसोम इन मेल इंडिविजुअल। मेल इंडिविजुअल तो बटरफ्लाई के रिस्पेक्ट में, तो फीमेल जो है, पहली बात तो एक बार ये और बता दें बच्चों को, ये दोनों ही कैसे जो है वो फीमेल के, फीमेल हेटरोगेमिटी, फीमेल हेटरोगेमिटी। क्यों? तो इसका मतलब है कि मेल में तो फिर एक ही प्रकार का क्रोमोसोम होगा। इसमें बात करेंगे तो तीसरा देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम इन फीमेल इंडिविजुअल। वाला बिल्कुल, केवल एक सेक्स क्रोमोसोम एक ही है और दूसरे गैमेट में जीरो वाली कंडीशन आ जाएगी। यानी ऐसे गैमेट बनेंगे इसमें जी, A प्लस जेड, जेड और A प्लस और केवल A। हाँ बिल्कुल, दूसरा तो है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, या A प्लस जीरो कंडीशन जो है, मतलब कुछ नहीं है, जीरो कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं, तो इसका तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जी, 204, कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल देन इन फीमेल। तो कलर ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो हेमिजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और हेमिजाइगस कंडीशन मेल में देखी जाएगी। यानी एलोसोमल रिसेसिव डिजीज होने के चांसेस फीमेल में कम है, कम है, मेल में ज्यादा है। क्योंकि मेल के केस में ये जिंदर सर एक्स वाई कंडीशन बनी, एक्स वाई, क्योंकि एक अगर रिसेसिव पर एक एलील भी आ गई तो अपना एक्सप्रेशन दर्शा देगी, चाहे हीमोफीलिया की बात कर लो चाहे कलर ब्लाइंडनेस की बात कर लो। क्यों? और फीमेल में अगर बात करें
तो एक पर आ गई तो कैरियर बन जाएगी, दो पर आएगी तो डिजीज बनेगी। यानी एंड्रोजोमल रिसेसिव में कैरियर हमेशा फीमेल होगी, कैरियर हमेशा फीमेल होगी, और ऑटोसोमल के रिसेसिव दोनों होगी। ठीक कहा आपने। द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल, और ऐसा किसके कारण है? जीन फॉर कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन किसके ऊपर? बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम, और वो एक्स क्रोमोसोम मेल में केवल एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर एक चीज और याद रख लेना कि एक्स क्रोमोसोम पर पाए जा रहे हैं और मेल जो होती हैं, मेल एक्स लिंक्ड के लिए रिसेसिव के लिए कैसे हेमीजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मेल हेमीजाइगस हो जाए, हेमीजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जी। मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मेल है ना, एक्स एंड वाई, कलर ब्लाइंड वुमेन, इसका मतलब है ये वाली कंडीशन है जी। तो पूछा कि प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इसका मतलब है सुनील जी कि जितनी भी लड़कियां हैं वो कैरियर होंगी। बिल्कुल। और लड़के सारे डिजीज्ड होंगे। बिल्कुल। तो बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, अपन इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं, और बेटी एक तरफ और बेटे एक तरफ, इसको ऐसे कर देते हैं अपन, ये वाला क्रॉस इससे करवा देते हैं, तो एक्स ही एक्स बन जाएगा, एक्स ही एक्स बन जाएगा। बेटों की बात कर लें तो बेटी ये बन जाएंगे, सारे एक्स ही वाई बन जाएंगे, एक्स ही वाई बन जाएंगे। अब अप्रोच करना है क्वेश्चन को। कलर ब्लाइंड है ना क्या सारे? जी 50% कैरियर, 100% 50% कलर ब्लाइंड गलत बात, नॉर्मल मेल गलत बात, कलर ब्लाइंड है और कैरियर डॉटर है। बिल्कुल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसी अप्रोच का किया भी था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेल ह्यूमन इज हेटरोजाइगस फॉर ऑटोसोमल जीन एबी और हेमीजाइगस है किसके लिए? हीमोफिली। इसका मतलब ये कंडीशन क्या बनी होगी? ए ए बी बी जी प्लस एक्स एच वाई, ये कंडीशन बनी, मतलब तीन हेटरोजाइगस हो गए। बिल्कुल। और अपने से इतने तो सिर्फ पूछ लिया इन्होंने, ए बी एक्स एच पूछ लिया, इसका मतलब इन दोनों में से स्मॉल ए आगे आए, ये प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, स्मॉल बी आगे आए प्रोबेबिलिटी 1/2 जी, और एक्स एच आगे आए 1/2, तो 1/2 × 1/2 × 1/2 कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 8 में से 1, क्योंकि इसमें 3 हेटरोजाइगस है, इसका मतलब गैमेट तो बनने हैं 8 गैमेट में एक ऐसा। बिल्कुल। तो 1/8 करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 207 एक नॉर्मल मैन वुमेन है जी, और उसके जो पिता थे वो कलर ब्लाइंड थे, इसका मतलब ये फीमेल कैरियर होगी। बिल्कुल। एंड उसकी मैरिज वो नॉर्मल मैन से होगी, तो बच्चों के लिए सन के लिए पूछा। बिल्कुल, ये वाली कंडीशन बोली, ये वाली कंडीशन नॉर्मल वुमेन है, इसके फादर कलर ब्लाइंड है, तो एक एलील आ गई इसके पास में। अब बच्चों का सन केवल सन केवल सन का पूछ रहा है, इसका मतलब वाई का क्रॉस करवाना है। वाई की बात करें, वाई की बात करें तो एक्स वाई बन जाएगा जी, और इसकी बात करें तो एक्स सी वाई बन जाएगा। इसका मतलब 50% में डिजीज, 50% बेटे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे। अरे क्यों भाई, ये जरूरी याद रखना, पूछा क्या है यहाँ पर? सन की बात की है, सन की बात की, प्रोजेनी अगर कह देता तो प्रोजेनी में 25% प्रोजेनी जो है वो क्लब, क्योंकि फिर डॉक्टर भी साथ लेने पड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 208, एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ओनली फीमेल इज ए। तो ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर कंट्रोलिंग है, ये दो प्रकार की, एक सेक्स लिमिटेड और एक जो है वो इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड, और दोनों की जीन जो है ऑटोसोम पे पाई जाती है। तो थोड़ा सा एक बार सुन लेना आप, दोनों की जीन जो है वो ऑटोसोम पर है, फिर भी सेक्स लिमिटेड वाले केस में तो एक जीन जो है वो एक में ही एक्सप्रेशन देगी, दूसरे इंडिविजुअल में एक्सप्रेशन लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, और सेक्स इन्फ्लुएंस में इन्फ्लुएंस होगा किसका? हार्मोन का। क्यों? और वो दोनों में एक्सप्रेस हो सकता है, और दोनों में एक्सप्रेशन उसका आ सकता है, आ सकता है। जैसे अपन सेक्स लिमिटेड की बात करें तो जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे हैं सेक्स लिमिटेड, जैसे दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, जैसे जो मेल भेड़ होती है उसमें सिंगों का पाया जाना है, और हिरण में एंटलर्स की प्रेजेंस जो देखी जाती है, तो ये जो है ये मेल इंडिविजुअल में देखा जा रहा है। ठीक है। और ऐसे ही फीमेल में जो है मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट है, बिल्कुल, या वॉइस पिच का हाई होना, हाई होना, स्पेसिफिक पार्ट्स में फैट का डिपोजिशन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं ये सेक्स लिमिटेड में आ रहे हैं, और सेक्स इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो इसमें जैसे पैटर्न बाल्डनेस, क्यों गंजापन, हाँ, और गंजापन के लिए ये कैसा है? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यहाँ पर ये तीन सिर्फ थोड़ा सा बच्चों को बता दें कि मेल के केस में और फीमेल के केस में। ठीक है। जीनोटाइप जैसे यहाँ पर बना, पहला जीनोटाइप है बीबी,
दूसरा जीनोटाइप है हेटरोजाइगस और तीसरा है स्मॉल बी स्मॉल बी। ये बात हो रही है किसकी? पैटर्न बाल्डनेस की। अगर मेल में दोनों डोमिनेंट है तो ये कैसा होगा? गंजा होगा, गंजा होगा। और यहाँ पर होगा तो ये कैसी होगी? गंजी हो जाएगी। अरे गंजी तो बोलेंगे मतलब इसके अंदर बाल पतले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। और यहाँ अगर बात करें मेल में तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन, ये तो गंजा होगा ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, ये नो गंजी। इसका मतलब सुनेंगे हेटरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन जो है जी, इसमें तो ये डोमिनेंट है लेकिन इसके लिए रिसेसिव है, इसके लिए रिसेसिव हो गए, ठीक बात है। और यहाँ पर नो गंजा और नो गंजी, कोई भी गंजा नहीं होगा यहाँ पर, क्यों? अच्छा, इसका मतलब है कि ऑटोसोम पर जीन है कोई पर्टिकुलर भी, और जैसे टेस्टिस या ओवरी जो है, टेस्टिस जो वो टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन बना रहा है, ठीक है, उसकी वजह से इस जीन का इन्फ्लुएंस इस जीन को ही कंट्रोल कर रहा है। एग्जैक्टली, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, हार्मोनल इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड, ऐसे सेक्स इन्फ्लुएंस, तो सेक्स लग जाए तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एलोसोमल है, एलोसोमल, लेकिन है ऑटोसोमल, ऑटोसोमल हो गए, और लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन वो सेक्स हार्मोन पर, हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, क्यों? तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन ओनली फीमेल, केवल फीमेल में लिमिटेड कहलाता है, हालांकि जीन दोनों में है, दोनों में ऑटोसोमल, बिल्कुल, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में जाता है, और एस्ट्रोजन के कारण ही मिल्क का प्रोडक्शन हो पाता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्टिव डिसऑर्डर में वर्क करता है। और यहाँ अगर कह देता मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट या ब्रेस्ट का डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसमें सुनील जी अपन ऑर्डरली बता दे जी जी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट के दौरान जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी स्टार्ट होता है, बिल्कुल, तो एफएसएच ओवरी पे वर्क करते हैं, तो ओवरी फोलिकल बनाते हैं, और फोलिकल बनते ही वो एस्ट्रोजन बनाना शुरू करते हैं, थीका सेल्स, याद रखो थीका सेल्स, और वो एस्ट्रोजन मेमोरी डक्ट की ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है आपने, और उसके बाद में जब ओवुलेशन होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है, बिल्कुल, वो प्रोजेस्टेरोन मेमोरी एल्यूवियोलाई की ग्रोथ को करवाएगा। उसके बाद अगर प्रेगनेंसी होती है तो एल्यूवियोलर सेल जो के ऊपर प्रोलैक्टिन टारगेट करता है, बिल्कुल, वो मिल्क फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर उस मिल्क को उन सेल से एल्यूवियलर स्पेस में आना सिक्रेशन, बिल्कुल, उसको प्रोजेस्टेरोन प्रमोट करता है, प्रोजेस्टेरोन करेगा, सेग में आने के बाद में उनका मिल्क का इजेक्शन उसको ऑक्सीटोसिन करता है, एम्बुला रीजन पर एक्ट करेगा, यानी डक्ट की ग्रोथ अलग नहीं की, बिल्कुल, एल्यूवियलर ग्रोथ अलग नहीं की, अलग नहीं की, मिल्क का फॉर्मेशन अलग नहीं किया, सिक्रेशन अलग नहीं कराया, बिल्कुल, और इजेक्शन या रिलीज होना जी वो ऑक्सीटोसिन, तो इनका कंबाइंड इफेक्ट थोड़ा सा बता दें बच्चों को, कि बात करें ओवुलेटरी हार्मोन तो वो तो बन गया अपना LH, LH ने करवाया, ठीक है, प्रेगनेंसी हार्मोन ये बन गया अपना प्रोजेस्टेरोन, क्यों? प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी प्रोजेस्टेरोन, ये भी प्रोजेस्टेरोन कहलाएगा, क्योंकि ये इफेक्ट कैसे देगा प्रेगनेंसी को मेंटेन, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके, हां, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम बना के रखेगा जी। और ऐसे ही बात करें बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले वही पैदा करेगा। इसमें एक और चीज याद रखना, ऑक्सीटोसिन का रिलीज पॉजिटिव फीडबैक में होता है, लेकिन सबसे पहले जो कॉन्ट्रैक्शंस वहां पर पैदा होंगे यूटेराइन में, ये प्रोस्टाग्लैंडिन के द्वारा, और ये प्लेसेंटा बनाता है, हाँ, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन एक बार कॉन्ट्रैक्शन चालू कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करेंगे इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस को, वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, जितना ऑक्सीटोसिन आएगा उतना कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जितना कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ही और मैसेज जाएगा और ज्यादा ऑक्सीटोसिन आएगा, इसीलिए लेबर पेन की इंटेंसिटी जो है वो रेगुलरली इंक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। और ऐसे ही इजी बर्थ हार्मोन अगर पूछ ले तो फिर अपना रिलैक्सिन बन जाएगा, रिलैक्सिन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन अगर पूछ ले तो प्रोलैक्टिन बन जाएगा, मिल्क इजेकुलेटिंग हार्मोन पूछ ले तो ऑक्सीटोसिन बन जाएगा, तो ये डिफरेंट हार्मोन है, ये एंडोक्राइन सिस्टम के दौरान आपने पढ़ा होगा, तो ये कैसा बन जाएगा? केवल सेक्स लिमिटेड ये बन जाता है। नंबर 3 चले आगे जी सर, 209 read the following statement, okay, haplodiploidy sex determination system, the male do not have father and thus cannot have son but they have grandfather and can have grandson, ye wala statement sahi, jaise abhi abhi sex determination ki baat ki, uske kai methods hain ji ji, jaise ek to baat kar li chromosomal ji, bilkul, uske alawa ek haplodiploidy system hai, wo bhi isme jo haploid hoga n wo hoga male aur jo diploid hoga wo hogi female, ye honeybee ki baat, honeybee ki baat ji ji ji, तो हनीवी में सुनें जी, जो क्वीन है वो दो टाइप के एग प्रोड्यूस करती है, ठीक है, एक में फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है जी, और वो एन स्टेज है, ठीक है, और पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन में चेंज हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब उस ड्रोन का फादर नहीं है, लेकिन
वो जो ड्रोन जिस एग से बना है और उसको क्वीन ने पैदा किया जी, तो क्वीन का जो फादर है वो उस ड्रोन का हुआ ग्रैंडसन, ग्रैंडसन हो गया वो। कहने का मतलब ये दिन सर बताना चाह रहे हैं, ये जैसे क्वीन भी है ठीक है जी, और ये यहाँ पे ड्रोन है। यहाँ अगर बात करें तो कंडीशन कैसी है, एक्स एक्स कंडीशन जी। ड्रोन में अगर बात करें तो कंडीशन कैसी है, एक्स वाई टाइप की कंडीशन, एक्स वाई, लेकिन वाई जो वो सेक्स डिटरमिनेशन में इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? अब ये जो क्वीन है ये फर्टिलाइज, नो डाउट फर्टिलाइज होंगी, और ये जो है ये एग प्रोड्यूस करेंगी फिर ठीक है। जो एग प्रोड्यूस होंगे वो एक तो फर्टिलाइज दर्शा जाएंगे और एक विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो जाएंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होगा वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। क्यों? ये पार्थेनोजेनेसिस कहला गया। अब यहाँ पर कौन डेवलप हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस के रिजल्टेंट ड्रोन डेवलप हुआ है। क्यों? तो ये जो एग रिलीज किए इसने, जिनको फर्टिलाइज हुए थे जो एग है वो तो फर्टिलाइज्ड एग तो कन्वर्ट होते हैं किसमें, क्वीन में और वर्कर्स में। तो ये वाला एग तो कैसा है, पार्थेनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड है, और जो एग हो गए फर्टिलाइज्ड वो फर्टिलाइज्ड बना गए एक तो यजेंद्र सर कौन, क्वीन, क्वीन, और एक बना गए वर्कर। ये डिपेंड करेगा इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान इनको फीडिंग के रूप में अगर रॉयल जेली मिलेगी तो क्वीन बन जाएगी, नहीं मिलेगी बी ब्रेड के ऊपर ही फीड करेंगे तो ये वर्कर बन जाते हैं। तो ये जो दोनों प्रोजेनी बनी है ये तो फर्टिलाइज्ड एग से बनी है, इसका मतलब इसमें रोल इस ड्रोन का है। तो ये जो फीमेल है इन फीमेल के तो फादर हो गए, फादर होगा, लेकिन ये जो मेल बना है इस मेल का कोई फादर नहीं है, नहीं। क्योंकि ये तो डायरेक्ट किससे बना, अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, तो मेल का क्या है, फादर नहीं होता है ठीक है। इसीलिए ये जो मेल था इसका कोई बेटा भी नहीं, इसका कोई बेटा भी नहीं, बिल्कुल सही कहा। यही तो हुआ, ये जो मेल है ये इससे बना है, इसका कोई फादर नहीं है, ये जो पेरेंट्स है इसका कोई बेटा नहीं है, केवल बेटी है, केवल बेटी है। लेकिन ये जब ड्रोन बना होगा तो ये ड्रोन किससे बना होगा, ये भी क्वीन से बना है, ये भी क्वीन से, अनफर्टिलाइज्ड एग से जी। अनफर्टिलाइज्ड क्वीन अपने फादर और अपने मदर के स्पर्म और एग से बनी है, बिल्कुल फर्टिलाइजेशन की, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो ड्रोन आगे फर्टिलाइज करेगा वो भी केवल क्या बनाएगा, ओनली फीमेल्स बनाएगा, फीमेल ही बनेगा, इसका मतलब इसके भी क्या नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, यानी पिता भी नहीं और बेटा भी, बेटा भी ग्रैंड फादर वगैरह बिल्कुल वो मौजूद हो गए। तो ये एक्सप्लेनेशन इसका चला जाता है। फिर अगला देखते हैं, इसमें अपने को कई कुछ स्टेटमेंट दिए, चलो देखते हैं सेकंड। इन हनी भी वर्कर आर डेवलप्ड बाय अनफर्टिलाइज्ड एग, नहीं वर्कर तो फर्टिलाइज्ड एग से बनी, ये रहा फर्टिलाइज्ड एग, और वर्कर जो उनमें स्टेरिलिटी होती है क्वीन की वजह से ऐसा होता है, बिल्कुल वो एंटी क्वीन सब्सटेंस रिलीज कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ओवर डेवलपमेंट रिग्रेस होता है। इन ह्यूमन स्किन कलर द इफेक्ट ऑफ ईच डोमिनेंट एलील इज एडिटिव, बिल्कुल सही है, पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक ए प्लस बी प्लस सी, और पॉलीजेनिक को क्या बोला था, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, डोमिनेंट जितनी बढ़ेंगी उतना ही फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन भी बढ़ेगा। फिर जो फोर्थ है, इन एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इंसेक्ट वाला, मेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल, देन फीमेल, क्योंकि जैसे ए ए प्लस एक्स ओ और ए ए प्लस एक्स एक्स, तो ये तो बराबर है, बिल्कुल, लेकिन कमी तो केवल इसी की, तो ही तो एलोसोमिक हाफ तो नहीं हो सकता, हाफ नहीं होगा, एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन मेल है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर कह देता हाफ नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम तो बात सही हो जाती, क्यों, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो अपने से पूछा कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट है, सेकंड चला गया, फोर्थ चला गया, सेकंड एंड फोर्थ का ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 जी, क्यों, बहुत ही शानदार अप्रोच थी क्वेश्चन की, हां सुनिए, हां तो बढ़िया आगे, लेकिन इसमें एक चीज आपको और बता देते हैं, जैसे यहां यजेंद्र सर सेक्स डिटरमिनेशन अभी स्टार्टिंग में ही अपने एक थोड़ा सा स्टेटमेंट रिलीज हो गया था, वो देखें आप कि यजेंद्र सर यहां पर वाई का इन्वॉल्वमेंट तो है, क्यों, वो ड्रोसोफिला का अगर कंपेयर हो जाता तो फिर उसमें वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं है, क्योंकि वहां तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी है जी, क्यों, तो ये यहां पर वाई का इन्वॉल्वमेंट कहलाएगा और वहां पर वाई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा ड्रोसोफिला के केस में, बिल्कुल बढ़िया। अगले क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 210, Represented below is the inheritance pattern of certain type of trait in the human. ये तो repeat हुआ है क्वेश्चन, last lecture में करवाया भी था, लेकिन उसमें क्रिस क्रॉस था। हाँ, ये यजेंद्र सर ने उसको modify करके जरूर बता दिया था। हाँ, पर न्यूटोसोम से नहीं बनती। अगर मदर से सन में जाता, फादर से डॉटर में जाता, तो ये कैसे बन जाते हैं? एक्स लिंक्ड ट्रेट बन जाते हैं। और एक्स लिंक्ड में हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, और अगर SRY होलिडिक
वाई वाला बिल्कुल। यहाँ तो केवल कहा फादर से केवल किस में जाता, सन में जाता, मदर से सन में आने की बात ही नहीं होती। अब ये कह रहा है कि मदर से इधर भी आए, फादर से इधर भी आए, फादर से इधर भी आए, इसका मतलब ये तो ये सर वो बनता है जैसे मैं ऑटोसोमल रिसेसिव ले लूं, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव जैसे ये वाला केस बन गया दोनों का अफेक्टेड है। अब ये ए जो है ये सन में भी जा सकता है, इसका ए जो है वो जैसे सन में जा सकता है, इसका डॉटर में जा सकता है, इसका ए जो है वो डॉटर में आ सकता है, इसका ए जो है वो सन में जा सकता है। बिल्कुल। और इसको अपन इस तरीके से हेटेरोजाइगस मान के भी ले सकते हैं, हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी ले सकते हैं कि जैसे ये जो स्मॉल ए है वो सन में भी जा सकता है, बिल्कुल, या ये स्मॉल ए डॉटर में भी जा सकता है, यहीं पे लिख देते हैं इस तरीके से ना, जैसे इसके अंदर सन सन में ये स्मॉल ए और फादर से मान लो ये वाला आ गया, या फादर से इस डॉटर में स्मॉल ए और मदर से कैपिटल ए, तो ये एक तरीके से रिसेसिव एलील तो आ ही गया, बिल्कुल आ गया, हालांकि ये दोनों कैरियर जी, तो कैसे भी परिस्थिति हो सकती है। तो इसके लिए ऑटोसोमल पार्ट देखना है, फिनाइल ब्यूटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं, क्यों ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई चूर्ण नहीं है कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन है, डोमिनेंट कौन है, ये तो गए एक्स लिंक्ड रिसेसिव जी, ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ये वाई वाई लिंक्ड या वोलेंट्री वोलेंट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 211, Select the odd one out with respect to genetic balance theory of the sex determination in Drosophila. तो इसको approach करने से पहले थोड़ी सी बात आप सुन लें कि genetic balance theory जो है C.B. Bridge द्वारा दी गई है और Drosophila में इसको represent किया गया है, एक ratio है x upon a. अब यहाँ पर silly mistake ये तिंदर सर ये कर जाते हैं बच्चे, a upon x का ratio कर जाते हैं, तो sex chromosome upon autosome का ये ratio कहलाएगा, और sex chromosome upon autosome अगर ये तिंदर सर आता है 1 तो ये बनती है female, बिल्कुल, ग्रेटर देन 1 आता है तो ये सुपर फीमेल, सुपर फीमेल ये बन जाएगी सुपर फीमेल, ये आता है 0.5 तो ये बन जाएगा मेल, मेल, और ये आता है लेस देन 0.5 तो ये बन जाएगा सुपर सुपर फीमेल, सुपर मेल, सुपर मेल, सुपर मेल कंडीशन, और आता है बिटवीन इसके बीच में 0.5 एंड 1 0.5 एंड 1 0.6, तो ये इंटरसेक्स, 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 क्यों जैसे यहाँ पर ये तीन सर कह रहा है कि 1 फीमेल के लिए, तो अपने को दे दें ऑटोसोम, ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, इसका मतलब 2x अपॉन 2 ऑटोसोम, यानी 1 2x अपॉन 2 ऑटोसोम, ये कितना आ जाएगा 1 आया जी, यहाँ जैसे कह रहा है ग्रेटर देन 1 इसका मतलब सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा ऑटोसोम कम, तो जैसे कंडीशन बन गई AA प्लस कंडीशन बन गई ट्रिपल एक्स वाले, क्यों तो फिर अपन क्या बोलते हैं 3x अपॉन 2 ऑटोसोम, ये कितना आ जाएगा 1.5, तो ऐसे ही रेशियो आपको निकाल के निकाल सकते हैं x अपॉन a करके। तो ऑड वन देखना है अपने को, y क्रोमोसोम प्ले रोल इन सेक्स डिटरमिनेंट, ड्रोसोफिला में तो y क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है भैया, मेल में नहीं, बिल्कुल, गिवन बाय सीबी ब्रिज बताया आपको अभी, x अपॉन a रेशियो इज 1 फीमेल आर प्रोड्यूस्ड, ये वाला केस हो जाएगा, ये भी सही है, x upon a ratio is less than 0.5 super male, less than 0.5 ये वाला super male बन जाएगा, तो ये बात भी सही है, अपने को तो odd one पूछा है, option number first, यानी y chromosome का role sex determination में तो नहीं, बिल्कुल, लेकिन spermatogenesis वगैरह दूसरे process, हाँ, spermatogenesis करवाएगा यहाँ पर, ये बात आपको याद रखनी, क्यों? Next 212 number, जी सर, a carrier female which possesses gene for hemophilia on 1x है ना, xx and gene for color blindness or other, other, और फिर क्या पूछा है, marriage with a color blind man, xy हो गए जी, और फिर proportion of progeny carrier for both disease, दोनों disease के लिए carrier, बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए फिर अपन gamete बना लेते हैं, ये वाली condition होगी जी, और ये gamete ये और एक वाला ये, इस तरीके से checkerboard से ये जो लड़की बनी सुनील जी, ये दोनों डिजीज कैरियर होगी ना, कैरियर होगी, और यही पूछा है अपने को, कैरियर ही पूछा है जी, बहुत डिजीज है ना, फिर भी पूरा देख लेते हैं, और यहाँ पे एक्स एक्स वाई सॉरी जो लड़का बना उसमें डिजीज है, केवल एक डिजीज है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जी, और फिर इसके अंदर एक ही डिजीज है एक्सी एक्सी कलर ब्लाइंडनेस, और इस लड़के में केवल कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, दोनों डिजीज एक साथ तो एक में भी नहीं है, लेकिन कैरियर ये बन जाएगा चार, इसमें क्या पूछा है, कैरियर फॉर बोथ डिजीज, तो 25% 25% हो जाएगा, क्यों, और अगर सुनील जी यही हो कि डिजीज फॉर बोथ जीरो जीरो, ऐसा लास्ट लेक्चर में करवाया भी था क्वेश्चन आप जी, क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 213,
ए होलेंट्रिक जीन इज नोन फॉर हाइपरट्राइकोसिस, ये एग्जांपल पहले भी बता चुके हैं, केवल वाई क्रोमोसोम पर पाया जाएगा, मतलब फादर से सन में जाएगा। व्हेन ए मैन विद हेयरी ईयर मैरीज ए नॉर्मल वुमन, व्हाट परसेंटेज ऑफ डॉटर। अब हाइपरट्राइकोसिस तो वाई लिंक्ड है, और वाई लिंक्ड है इसका मतलब फादर का जो वाई है वो तो केवल बेटे में जाएगा, सन में जाएगा, और बेटी में जाएगा नहीं, यूनिपेरेंटल यूनिपेरेंटल है, और ये तो अपने को डॉटर में पूछ रहा है, इसका मतलब 0% डायरेक्ट चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन। The children of a hemophilic man and normal woman. इसका मतलब है कि hemophilic जो man है सुनिए तो जैसे ये ऐसे लिख देते हैं ना जी, तो उसमें और normal woman है X X condition, तो इसका मतलब है कि किसी भी बच्चे में डिजीज नहीं होगी क्योंकि सन जो होंगी उनमें तो वाई जाएगा, वाई जाएगा, तो एक्स वाई कंडीशन बनेगी, बिल्कुल। और डॉक्टर जितने भी बनेंगे सुनिए जी कैरियर हो जाएंगे, वो कैरियर हो जाएंगे, ठीक कहा, इसका मतलब एक भी डिजीज नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो ऐसा ही ऑप्शन देखना, ऑल हीमोफिलिक तो होगा नहीं, मतलब नहीं है, ओनली डॉटर आर हीमोफिलिक, ओनली सन आर हीमोफिलिक, नॉर्मल बन रहे हैं, नाइदर सन नॉर डॉटर हीमोफिलिक, ऑप्शन नंबर 4, इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कपल हुज सन आर कलर ब्लाइंड, ठीक है, एक कपल है जिनके सन कैसा है, कलर ब्लाइंड है, इसका मतलब एक्स वाई कंडीशन, एंड ए बी ब्लड ग्रुप, इसका मतलब इसके पास में आई ए और आई बी, ये कंडीशन पाई जा रही है, क्यों? अब पूछा है आइडेंटिफाई द पेरेंट, इसका मतलब इसमें एक्स सी वाई है, तो माना ये देते सर ये मेल है इधर, ये माना ये फीमेल है जी, तो मेल जो है सपोज करो यहां से मेल इंडिविजुअल से ये सन बनाए, तो वाई क्रोमोसोम तो यहां से आए, वाई तो यहां से है, प्लस यहां से सपोज करिए आई ए आ गया, क्यों ये आई बी भी आ सकता है, आई बी भी आ सकता है, यहां से अगर बात करें फीमेल से तो एक्स सी आया है, बिल्कुल, प्लस दूसरा कौन सा गया आई बी आई बी जी, क्यों? अब ए ब्लड ग्रुप बन सकता है यहाँ पर, इसका ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, ओ नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, यहाँ पर बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए नहीं होगा और ओ नहीं, ओ भी नहीं होगा। अब ये कलर ब्लाइंडनेस के लिए होमोजाइगस कलर ब्लाइंड हो सकती है, कैरियर हो सकती है, ये जो इंडिविजुअल है ये नॉर्मल, ये नॉर्मली होगा क्योंकि वाई यहाँ पर सन दिया है, सन दिया है इसका मतलब इसका वाई आएगा, क्यों? अब अपने को इसके मदर कलर ब्लाइंड विद ए ब्लड ग्रुप, मदर कलर ब्लाइंड हो सकती है क्या इंद्र सर? कलर ब्लाइंड हो सकती है, और हो सकता है ए भी हो, हाँ भी अपन ए यहाँ पे भी ले सकते हैं, बिल्कुल उधर भी जा सकते हैं, बिल्कुल प्रोबेबिलिटी तो है सर, विद ए ब्लड ग्रुप एंड फादर नॉर्मल विद बी ब्लड ग्रुप, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पहला जो है फिर भी और देख लेते हैं, लेकिन ये गलत नहीं हो सकता, हाँ और भी देख लेते, मदर नॉर्मल होगी, मदर नॉर्मल होगी, नॉर्मल होगी इसका मतलब कैरियर हो सकती है, मदर नॉर्मल बोला है ना, इसका मतलब कंडीशन ये थी सर एक्स सी एक्स ले लूं जी विद ब्लड ग्रुप ए, चलो हो सकता है, ये ए हो सकता है, हो सकता है, एंड फादर कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता है, फादर कलर ब्लाइंड नहीं होगा क्योंकि अपने को इनहेरिटेंस जो है वो सन में देखनी है, बिल्कुल, और ये एलोसोमल रिसेसिव है, बिल्कुल, अपन फीमेल वाला कंसीडर करते हैं, हां तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी हो फादर की, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपने को आउट ऑफ द फ्रेम नहीं जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये नहीं रहेगा, मदर कलर ब्लाइंड विद ब्लड ग्रुप हो सकता है, हो सकता है, फादर नॉर्मल विद ब्लड ग्रुप ये नहीं हो सकता क्योंकि बी की वजह से गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहां भी बी आ गया और वहां भी बी आ गया, तो यहां पर ए बी कैसे बनेगा, बिल्कुल, क्यों? मदर नॉर्मल विद ब्लड ग्रुप बी एंड फादर कलर ब्लाइंड, मदर नॉर्मल हो और फादर जो है वो कलर ब्लाइंड हो, नहीं लेकिन फिर वही चीज होगी ना, ये वाली बात, ये रिपीट आ गया, इसका मतलब है इस स्टेटमेंट में कहीं भी कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे ऑप्शन नंबर 2 और 4 गलत है, लेकिन 2 और 4 को अगर कंसिडर करते हो तो आउट ऑफ फ्रेम जा रहे हो आप क्वेश्चन के, तो फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फर्स्ट चला जाएगा इस तरह से जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 216 daughter suffer from color blindness and son is normal, it is possible if agar daughter ki baat ki ja rahi hai to father mein disease hai, ye xc bol raha hai aur son kaisa bol raha hai, normal, son normal, xy condition bol raha hai, iska matlab mother hai to jayega, bilkul kyunki iske paas do aaye hain to dono parents se aaye, agar father se baat karenge yatinder sir to kya aaya hoga, xy wali yani father mein disease hai, disease rahi hai, और यहाँ अगर मदर से बात करें तो मदर कैसी रही होगी, हेटेरोजाइगस, XCX, अगर मदर होमोजाइगस भी हो जाती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, होमोजाइगस अगर हो जाती तो इसमें डिजीज आ जाती, ये यहाँ पे डिजीज आ जाती,
इसलिए होमोजाइगस नहीं बोलेंगे, हेटरोजाइगस हो जाएगा। क्यों? तो डॉटर सफर फ्रॉम कलर ब्लाइंड, तो क्या क्या हो गया? मदर एंड फादर नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं होंगे, ये कलर ब्लाइंड होगा और ये कैरियर होगी, ये कैरियर होगी। मदर एंड फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, केवल फादर सफर कर रहा है, फादर इज नॉर्मल नहीं कलर ब्लाइंड है, मदर इज कैरियर बिल्कुल कैरियर है, एंड फादर सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, थैंक यू यतेंद्र सर। अगला क्वेश्चन है, ए हीमोफिलिक मैन मैरिज ए कैरियर वुमन। हीमोफिलिक मैन मतलब XXY हो गया, कैरियर वुमन मतलब XXC हो गया, ये कंडीशन होगी। परसेंटेज ऑफ डॉटर, केवल बेटियों की बात करनी है, इसका मतलब इस एक्स का इन दोनों से क्रॉस करवाना है, तो अपना XXH बन जाएगा। और दूसरी वाली कंडीशन ये क्या होता है, कलर मैन मीन्स की ये हीमोफिलिक है ना, हीमोफिलिक मेल फीमेल क्या है, के ए हीमोफिलिक मैन, ये यानी अपन इसमें हीमोफिलिया कंसीडर करेंगे, बिल्कुल ये सी नहीं लेना है, ये एच लेना है जी, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें तो ये तो एक्स एक्स बन ही गया, क्यों? और दूसरा फिर और जो दूसरा जो है वो एक्स एच, हां एक्स और एच भी तो आएगा ना, ये अगेन डबल हो गया ना, हां ये डबल हो जाएगा, सही कहा आपने। इसका मतलब सुनेंगे 50% डिजीज है, 50% डिजीज कंडीशन है और 50% कैरियर डॉटर हो जाएगा। तो इसमें पूछा क्या है, डॉटरी पूछा है, डॉटर पूछा है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। ओके जी, यानी एलोसोमल, एलोसोमल ये तो है एक्स लिंक्ड है जी, और ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, बिल्कुल ये वाई लिंक्ड है, और ये ऑटोसोमल जो अभी बताया था, अभी बताया था, बिल्कुल। तो याद रख लेना एक्स लिंक्ड, ये X link और ये Y link और ये autosomal, हालांकि इस पे sex hormone का effect पड़ेगा। autosomal भी कौन सा? sex influenced dominant, हाँ वैसे autosomal dominant और वैसे connector हो गया, हाँ sex influenced। next question जी यतेंद्र सर, तो इसमें क्या पूछा है, gene located on Y chromosome है ना, and therefore transmitted from father to son, why to give service at kai bar baat kar chuke ya polyandric ji polyandric gene hota hai ji ji aur usme sry hypotrichosis polygyny wagera ho sakta hai pdf test is determining factor hemophilia is mentioned as a trait carried by the mother and passed to her son criss cross sex What is the pattern of inheritance for this trait? Okay, देख लेते हैं। Hemophilia is an allele carried on one of the mother's autosomal sex link. Hemophilia is an allele carried on Y chromosome, नहीं X chromosome. Hemophilia is an allele carried on X chromosome and can be directly inherited by the son from the father. नहीं, son के पास तो mother से आई। From mother. क्योंकि Y linked character father से आ सकता है, X linked father से son में नहीं आएगा। Hemophilia is carried on X chromosome and can be inherited by the mother. और ये क्या है, carrier है, बिल्कुल ये वाला option correct चला है। Next, number of bar body in genotype, तो इसके लिए बच्चे सीधे से formula याद रखो, बिल्कुल number of bar body X chromosome, okay minus one. ये अपना नंबर ऑफ बार बॉडी बन जाएगा, इसका मतलब सुनिए जी x इसके अंदर 4 है, 4 है, 4 में से एक कर देंगे माइनस, तो 3 बार बॉडी हो जाएगी, क्योंकि एक का एक्टिव रहना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल। या एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था आपको कि एक मेल ह्यूमन है जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का मतलब XXY कंडीशन, तो बार बॉडी कितनी हो जाएंगी, 2x है -1, क्यों? क्योंकि ये जो X क्रोमोसोम का प्रोडक्ट है जी, इसको जो है कंपनसेट करना पड़ता, दोनों में भी इक्वल करना पड़ता, डोजेज कंपनसेशन बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो फीमेल उसमें डबल एक्स है, मेल में एक ही, बिल्कुल, सिर्फ फीमेल का एक X क्रोमोसोम जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है, और ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस के दौरान ही हो जाता है, जी जी बिल्कुल, एक बनता है, तो वो जो एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हुआ है तो वो सर्कुलर ऊपर के बार बॉडी की फॉर्म में है, और सुनील जी ये फैकल्टेटिव हेटरोक्रोमेटिन होता है, ठीक है, जो जरूरत पड़ने पर वापस यू क्रोमेटिन में चेंज हो सकता है, ठीक है, जरूरत पड़ने पर, और ये कब होगा, जब गैमेट का ही फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल, उस दौरान वो वापस यू क्रोमेटिन में आता है जी, जी, फिर वापस उस फॉर्म में चला जाता है, तो ये एक प्रकार से इनएक्टिव स्टेट है एक्स की, जिससे मेल फीमेल दोनों में एक्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, सही बात जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 222 नंबर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन फीमेल इज हेटरोगेमेटी। ओके, तो यहां तो मेल हेटरोगेमेटी का एग्जांपल, मेल हेटरोगेमेटी का एग्जांपल, ये फीमेल हेटरोगेमेटी का एग्जांपल है, ठीक है, फीमेल इज हेटरोगेमेटिक,
तो ZZZW ये टाइप होता है लेकिन ये टाइप नहीं, ये नहीं है ZZZ0 क्योंकि ZZZ0 का निशान नहीं चाहिए थी क्यों जी। तो ये वाला हो जाएगा रैंक एग्जांपल, इसका बर्ड्स चला जाएगा, सिल्कवर्म चला जाएगा। नेक्स्ट फ्री मार्टिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग सुनील जी बात करें, जैसे कैटल जो काऊ है उसके अंदर मान लो कोई डाइजाइगोटिक ट्विन है, ये लिली ने डिस्कवर किया था। हाँ, एफ आर लिली जी जी। और एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, और मेल वाला अगर पहले डेवलप हो गया तो मेल से जो टेस्टोस्टेरोन है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा के पास आ जाता है, ठीक है, और प्लेसेंटा से वो एंड्रोजन जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो फीमेल फेटस है उस तरफ चला जाता है, ठीक है, और फिर उसके ओवरी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इससे हो सकता है उसके अंदर स्टेरिलिटी आए, उसी डिग्री के अंदर फीमेल से मेल में ऐसा हो उसके चांसेस काफी कम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये एक अपन कह सकते हैं यहाँ पे हॉर्मोनल में आता है, बिल्कुल हॉर्मोनल सेक्स डिटरमिनेशन। हाँ, तो इसमें जो है वो फिर फ्री मार्टिन के केस में अपन ने क्या बात कर ली कि एक ही फीमेल के यूट्रस में जो है दो फीमेल एक साथ डेवलप, वो दो इंडिविजुअल डेवलप हो जाएंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, फ्रेटर्नल, फ्रेटर्नल मतलब दोनों का सेक्स अलग होना चाहिए। और एक केस ये भी कहा जाता है यतेंद्र सर, फीमेल फोल्टी सेक्स होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मेल सेक्स पहले डेवलप होता है, फीमेल सेक्स बाद में डेवलप होता है, क्यों नहीं, यहाँ पे मेल सेक्स पहले डेवलप हो गया तो उससे हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके रेस्पेक्ट में अपन वो डक्ट वाली बात बता सकते हैं बच्चों को, एक तो यतेंद्र सर होगी वोल्फियन, वोल्फियन और एक होगी मोलेरियन। वोल्फियन डक्ट से तो एंड्रोजन, या अपन कहें कि मेल जो ऑर्गन है एंड्रोजन या मेल मेल ऑर्गन ये डेवलप, और यहां से अगर बात करें तो फीमेल इंडिविजुअल ये बनेगी, यानी तो मेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन की जो डक्ट्स हैं ग्लैंड्स वो इससे डेवलप होगी, और फीमेल वाली इससे, ठीक है। यहां पर बच्चों को नो डाउट कंफ्यूजन होता है ये वोल्फियन और मोलेरियन में, इसके लिए एक चीज याद रखना, एम फॉर मोलेरियन और एम फॉर होता है मेल, ठीक है, W4 होता है वोल्फियन और W4 होता है वाइफ, लेकिन ट्रिक उल्टी काम में लेगी, या वुमेन भी कह सकते हैं, हां वुमेन कह सकते हैं, ठीक है, वाइफ वुमेन, ठीक है, फिर उल्टा कर देना, हां फिर उसको उल्टा कर देना अपने को, समझ गए, इसका मतलब ये फीमेल थी लेकिन ये बनाएगी क्या मेल, और ये मेल है इसका मतलब ये बनाएगा क्या फीमेल, तो इस प्रकार करके याद रख लें इसको। तो फ्री मार्टिन में हार्मोनल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जी, यानी इसका मतलब कि सेक्स डिटरमिनेशन के कई मेथड्स आते हैं, बिल्कुल, क्रोमोसोमल है, कहीं पे जेनिक बैलेंस है, कहीं पे हैप्लोडिप्लोइडी सिस्टम है, और एक ये आपका हार्मोनल आ गया, फ्री मार्टिन, हां और एक और एक एनवायरमेंटल भी आएगा, एनवायरमेंटल भी आएगा, इसमें कोई एनवायरमेंट में जो फीमेल के पास है वो मेल में चेंज हो गया, ठीक है, और जो फीमेल से दूर है वो बिल्कुल फीमेल में, जैसे बोनिलिया के केस में थ्योरी प्रपोज बाय सीबी ब्रिज, अभी बताया था आपको कौन सी है सेक्स डिटरमिनेशन की थ्योरी है, जेनिक बैलेंस, बिल्कुल। क्या पूछा है, बर्ड्स, बर्ड्स के लिए इसमें हेटेरोगैमेटिक फीमेल, बिल्कुल ये बता दिया आपको काफी डिटेल में। 226 व्हाट विल द फेनोटाइपिक सेक्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम कंस्टिट्यूएंट इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑर्गन, ड्रोसोफिला में 2a अपॉन x0 इसका मतलब 1/2 इसका मतलब ये तो मेल होना चाहिए इतने सब जी, 0.5 आ रहा है ना जी, ह्यूमन बीइंग x0 टर्नर सिंड्रोम, यानी ये फीमेल है, ये फीमेल होगी क्योंकि टर्नर फीमेल होती है, क्लाइन फिल्टर मेल होता है, मेल होता है जी। ड्रोसोफिला में 2a अपॉन XXY इसका मतलब 2/2 1 और 2/2 1 ये फीमेल, ये फीमेल बन जाएगी, और ह्यूमन बीइंग्स में XXY टर्नर क्लाइनफेल्टर, सॉरी क्लाइनफेल्टर, ये मेल। अब अपने को मेल में बता दो यतेंद्र सर, पहला आ जाएगा, सब कुछ कह रहे सुनील जी कि सेलेक्ट द करेक्ट, अच्छा करेक्ट आंसर, मेल में एक तो ये चला गया, ये मेल है जी, और एक मेल में लास्ट वाला चला गया, तो 1 और 4 आना चाहिए, 1 और 4 मतलब ऑप्शन नंबर 3 आना चाहिए, मेल वाला देख लेते हैं, हां सेकंड और थर्ड ये फीमेल है, ये भी सेकंड और थर्ड ये तो अपना ये आंसर ऑप्शन नंबर 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां जी पेडिग्री एनालिसिस की क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें उम्मीद है कि बच्चों को बेसिक बताया जी जी, सिंबल कौन सा किसके लिए, बिल्कुल, और चार टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे करेक्टर जो है वो ऑटोसोम या एलोसोम के जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो ऑटोसोम पर जो जीन है तो वो डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है, दो टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, इसी तरीके से अगर एलोसोम पे तो ब्यू डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ऑटोसोमल एलोसोमल डोमिनेंट और एलोसोमल रिसेसिव,
बिल्कुल। अब इसमें रिसेसिव की बात अगर करें तो इसमें कैरियर होते हैं मेल भी और फीमेल भी, ऑटोसोमल में और एलोसोमल जी, और एलोसोमल जो है उसमें कैरियर केवल फीमेल होती है, उसमें डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। तो ये जो पेडिग्री है ये आप ज्यादा तब समझ पाएंगे जब मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच करेंगे और इसमें प्रोबेबिलिटी भैया लगेगी, संभावनाएं अपने को ज्ञात करनी पड़ेंगी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अप्रोच करना है अपने जी। क्यों? अब जैसे ये क्वेश्चन है इसमें अपन चलो इसको करते हैं, इसमें जैसे करैक्टरिस्टिक्स जो मेल में भी और फीमेल में भी, इसका मतलब ऑटोसोमल हो सकता है। बिल्कुल, इस पेडिग्री को देखते ही एक चीज जितेंद्र सर, पहला नियम पेडिग्री का आ रहा है अनअफेक्टेड पेरेंट हैव अफेक्टेड प्रोजेनी, और इसका मतलब है कि अगर ये अनअफेक्टेड है तो डोमिनेंट तो नहीं हो सकता। डोमिनेंट क्योंकि डोमिनेंट नेवर स्किप द जनरेशन। भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हम करैक्टर बताएंगे, वो करैक्टर लिखने हैं आपको। तो डोमिनेंट का पहला करैक्टर आ गया, डोमिनेंट नेवर स्किप, जनरेशन स्किप नहीं होती, हर जनरेशन में पाया जाएगा, लेकिन यहां पर स्किपिंग हो रही है। जैसे अनअफेक्टेड की अफेक्टेड, अनअफेक्टेड की अफेक्टेड। हाँ, और इसमें ये कि जो प्रोबेंड है अगर डोमिनेंट है तो दोनों में ही आप कम से कम एक में डिजीज जरूर होगी। प्रोबेंड पेरेंट्स को बोला है, हाँ, कहीं नया नाम देखो। हालांकि अगर डोमिनेंट है तो अपन जनरली कहते हैं कि जनरेशन स्किप नहीं होती, फिर भी ऑलवेज ऐसा नहीं है, स्किप हो भी सकता है, हो सकता है, है ना, स्किपिंग हो जाए, लेकिन प्रोबेंड में डिजीज कम से कम एक में जरूर होगी, एक में होगी। अगर दोनों में डिजीज नहीं है तो बच्चे सीधा अप्रोच में जाओ रिसेसिव की, डोमिनेंट नहीं है। इसका मतलब एक्स लिंक्ड होगा तो मेल हेमिजाइगस होता है उसके लिए, और मेल हेमिजाइगस होता है तो मोर मेल इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे। बिल्कुल, क्यों? और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, फादर से डॉटर में, डॉटर से वो मदर से सन में। तो चलो इसको देखते हैं अपन। इनहेरिटेंस ऑफ अ कंडीशन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। हां सही है, ये लिखा है कि इसे ऑटोसोमल डोमिनेंट, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो ये देखने की आवश्यकता नहीं है, रिसेसिव लिखता तो फिर अप्रोच करते हैं, ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज लाइक हीमोफीलिया, ये तीन सर इसको मैं हीमोफीलिया लिखकर अगर कहूं तो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे हीमोफिलिक ये कंडीशन हो जाए, XHX हो जाए, तो फिर ये तो XY होगा क्योंकि इसमें डिजीज नहीं है, इसमें वो कैरियर होगा नहीं, वो कैरियर होगा नहीं। और यहाँ पर ये कंडीशन ठीक है, ये कैसा बन गया, XH यहाँ से आ जाए, Y यहाँ से आ जाए, ये कंडीशन बन जाए। और यहाँ पर XHXH भैया ये तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ से आना चाहिए था XH फिर। इसका मतलब ये X लिंक रिसेसिव नहीं है, X लिंक रिसेसिव नहीं है, तो फिर डोमिनेंट भी नहीं है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव आंसर चला जाएगा। ऐसे अप्रोच करना है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर ऑफ मेटाफोरिक, ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं कहलाएगा भैया, ये ऑटोसोमल। अब ये याद करने पड़ेंगे आपको, बार बार कह रहा हूँ, ऑटोसोमल कौन से हैं, डोमिनेंट रिसेसिव कौन से हैं, एक्स लिंक्ड कौन से हैं, उसमें डोमिनेंट रिसेसिव कौन से। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक सिकल सेल एनीमिया और ऑटोसोमल रिसेसिव, रिसेसिव लिखा है, बिल्कुल रिसेसिव होती है। हाँ, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अगर यहां पे ऑटोसोमल अगर होता तब आंसर ये भी हो जाता है, सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अप्रोच करते हैं, अनदर पेडिग्री जी। गिवन बिलो इज अ पेडिग्री चार्ट ऑफ ए फैमिली विद 5 चिल्ड्रन, ओके, इट शोस इनहेरिटेंस ऑफ अटैच्ड ईयर लो जी। अब अगर नहीं भी बताएं तो फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग और अप्रोच करेंगे। वैसे आपको ये बता दें, ये ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का कहलाता है, और फ्री वाला डोमिनेंट है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। बिल्कुल बिल्कुल, opposed to the free one, the square represent the male individual and circle represent the female individual, ठीक है, ये इन्होंने बता दिया, correct पूछा है। parent are homozygous recessive होंगे, अगर parent homozygous recessive होंगे तो अपने क्या बोला, ये पहले अपने इसका genotype लिख ही देते हैं, जब उसने बता ही दिया कि autosomal ये recessive है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है कि दोनों सुनेल carrier, दोनों carrier होंगे, है ना, बिल्कुल, और इसका small है, small है, ये बन जाएगा, ये वाला भी स्मॉल है, स्मॉल है। अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं और हेटरोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस भी हो सकते हैं, कहने का मतलब है या तो ये फॉर्म हो सकती है या फिर कैपिटल है, स्मॉल है, बिल्कुल ठीक है। तो द पेरेंट आर होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं नहीं नहीं, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ट्रेट इज वाई लिंक्ड, नहीं ऑटोसोमल है, पेरेंट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं कैरियर है, कैरियर है, पेरेंट आर हेटरोजाइगस कंडीशन, और चली जाएगी जी।
अरे ये चीज़ पे टिक नहीं, समझ गए तो देखो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पेडिग्री के अंदर एल्बिनिज्म और सुरेंद्री एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। इफ पर्सन फोर इसकी बात की जा रही है, इज होमोजाइगस द कैरियर फॉर द ट्रेट इज, है ना। अगर ये होमोजाइगस है और इसमें डिजीज नहीं है, है ना, तो होमोजाइगस का मतलब एल्बिनिज्म कैपिटल है, कैपिटल है, ये तो रिसेसिव वाला है। बिल्कुल। इसमें फिर पूछा क्या, कैरियर पूछा है, चलो ठीक है। अगर इसमें डिजीज है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं स्मॉल स्मॉल, इसका मतलब ये दोनों हेटरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों डिजीज नहीं है, हेटरोजाइगस। हां, और अब ये वाला अगर है तो ये ऐसा भी हो सकता है और हेटरोजाइगस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है जी। अब इन दोनों की जो प्रोजेनी वो नॉर्मल है, यानी ये हेटरोजाइगस हो गए, क्योंकि क्योंकि इसके लिए क्या बोला है, होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी दोनों कैरियर होंगे, दोनों कैरियर। अब अपने को इसमें कैरियर का नंबर पूछा सुनिए। हां, तो कैरियर ये तीन सर अपना, एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया जी, ये दोनों हो सकता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसका मतलब जो दोनों हो सकता है उसको अपन नहीं लेंगे, नहीं लेंगे उसको, नहीं लेना है, तो ऑप्शन नंबर 4 अप्रोच हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी द गिवन पेडिग्री केयरफुली एंड ट्रेट इंडिकेटेड ईच, ट्रेट पूछा है ये कौन सा है, ठीक है जी। अब इसमें देखें, फादर अफेक्टेड है, कोई भी प्रोजेनी अफेक्टेड नहीं है, मदर अफेक्टेड है, सारी प्रोजेनी अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है, कोई भी प्रोजेनी, डायरेक्ट नियम लगता है कौन सा, ये मैटरनल इनहेरिटेंस कहलाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू जो है वो जीन इनहेरिट होगा, और ऐसे में मदर से डॉटर में भी जाएगा और सन में भी जाएगा, और ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है अपने को यहीं से लग रहा है, मैटरनल इनहेरिटेंस। बिल्कुल, और मैटरनल इनहेरिटेंस आल्सो नोन एज मैटरनल इम्प्रिंटिंग भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि अगर वाई लिंक्ड होता ना यतिंद्र सर, तो ये दोनों बेटे अफेक्टेड हो, बिल्कुल, इसलिए इसका मतलब ये नहीं, और ये वाला बेटा भी अफेक्टेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, चेक कर लेते हैं दोनों टाइप के क्यों, बिल्कुल, एक्स जैसे सी वाई ले लो, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, और सुनो, और डॉक्टर में डिजीज है ये तो इस दौरान होगा, लेकिन फादर तो नॉर्मल है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा, पैटर्नल इम्प्रिंटिंग वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वाई पे बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। डायरेक्ट देखो तो भी नियम लग गया, प्रोबेबिलिटी के अनुसार भी प्रैक्टिस जब करेंगे तो बाद में बच्चे डायरेक्टली कर सकते हैं। बिल्कुल, पेडिग्री का तो भैया एक ही रामबाण है, क्या, प्रैक्टिस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, बिल्कुल, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ गिवन पेरेंट, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, स्मॉल है, स्मॉल है, और इनमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी है, होमोजाइगस डोमिनेंट, ओके, यानी अगर इसमें डिजीज है स्मेल जी, तो इसका मतलब ये वाला, ये हेटरोजाइगस कंडीशन होगी, तो पेरेंट पूछा है ये दिन से आपने, हां, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, ऑप्शन नंबर 1 अप्रोच हो जाए, बिल्कुल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो डिजीज थी है इसमें जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्या? हाँ, और वहां पे सेकंड जनरेशन जो उसका जेनेटिक मेकअप पूछा है, ठीक है, तो इसका मतलब ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट है, तो या तो ये हो सकता है ये सर, या फिर ये हो सकता है, और ये रिसेसिव, क्योंकि एक भी अगर डोमिनेंट होता डिजीज हो जाती, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका मतलब इसमें डिजीज अगर है, इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है ये इधर भी आएगा, स्मॉल ए इधर भी आएगा, तो फिर डिजीज कंडीशन है, एक एक डोमिनेंट है, एक एक डोमिनेंट है, कैपिटल ये, और इसमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये सब हेटरोजाइगस है, और ये वाले होमोजाइगस है, होमोजाइगस आपने कहा सेकंड पूछा है, सेकंड मतलब दोनों को हेटरो बता देना, क्यों, तो दोनों हेटरो, ऑप्शन नंबर 4 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify meaning of symbol, ये pedigree के हैं भैया, ये तो क्या कहलाता है, male individual, ये क्या कहलाता है, female individual, ये क्या कहलाता है, sex unspecified, बिल्कुल, और ये congenitous marriage, निकट संबंधी जो होंगे, inbreeding, बिल्कुल inbreeding, ऐसा केस ले सकते हैं अपन, ठीक है, तो आप देख लें male female और sex unspecified, ये पहला ही चला गया, पहला ही चला गया, NCERT में चला गया, बिल्कुल। Next question। हाँ, तो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है इसके रेस्पेक्ट में जी, ठीक है, तो इसमें मेल में भी डिजीज है और फीमेल में भी, अनअफेक्टेड पेरेंट और इसका जो डोमिनेंट है नहीं, तो अपन सीधा ऑटोसोमल रिसेसिव ले जाते हैं, बिल्कुल, क्या, बिल्कुल, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट तो डोमिनेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर होता तो दोनों में डिजीज होती, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव है
सिकल सेल एनीमिया, तो दोनों ही होता है। और इसको अगर रिप्रेजेंट भी करते थोड़ा सा, हां तो ऑटोसोमल रिसेसिव और जैसे इसी को मैं मानता हूं, जैसे दिस इज, तो ये वाला केस रहेगा, लेकिन ये वाला फिट है तो ये कैसे रहेगा, हट जाएगा इसको, ये मतलब दोनों कैरियर होते हैं क्यों, और यहां पर डिजीज आई है इसका मतलब ये है, ये है, तो ये दोनों कैसे रहेंगे, ये दोनों के हट जाएगा, तो केस तो पॉसिबल है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर क्यों। और ऐसे ही अपन सिकल सेल एनीमिया की बात कर लें, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। चिंता मत करो, पेडिग्री की भरमार लाए हम, ठीक है, अच्छी तरह याद हो जाएगा आपको जी। हाइपरडक्टाइली यदि सर, यहां पे अगर आप देखिए तो इसके अंदर फिंगर का नंबर जो है ज्यादा है, ज्यादा और डिटरमाइंड बाय डोमिनेंट एलील, इसका मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, और एबनॉर्मल कंडीशन बाय रिसेसिव एलील जी। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स आएंगे, ऐसे करेक्टर आएंगे जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, ये क्वेश्चन भी दे देगा, ठीक है, और ए बी और सी जो उसका जीनोटाइप पूछा है, तो अपन ऑटोसोमल डोमिनेंट मानकर की बात करते हैं, ठीक है, इसका ये जो सेल है इसमें डिजीज नहीं है, यानी स्मॉल एच स्मॉल एच, और यहाँ पे स्मॉल एच क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, हाँ हाँ, और इसमें डिजीज और नहीं है, इसमें डिजीज नहीं है, यानी एक स्मॉल एच यहाँ से बिल्कुल, और एक स्मॉल एच यहाँ से, इसमें डिजीज है जी, और यहाँ पे डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये भी हेटरोजाइगस रहा होगा, हेटरोजाइगस रहा होगा, कैपिटल एच स्मॉल एच बिल्कुल, क्यों जी। तो अपने को पूछा गया ए बी सी, और सी पूछा है, सी मतलब ये एच एच, और वो भी स्मॉल एच स्मॉल एच, ये भी स्मॉल एच, और ये दोनों हेटरोजाइगस, ये हेटरोजाइगस हो जाएंगे जी। तो ए हेटरो है, बी हेटरो है, सी होमो है, हेटरो हेटरो होमो, पहला ऑप्शन ही फर्स्ट ऑफ करेक्ट ऑप्शन अप्रोच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग पेडिग्री सोच क्या दर्शाती है, वाई लिंक इनहेरिटेंस, फादर अफेक्टेड, दोनों बेटे अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड, दोनों बेटे अफेक्टेड, और लिंक नंबर फर्स्ट ही चला जाएगा क्यों, और मैटरनल इनहेरिटेंस इसका मतलब उसमें ये अफेक्टेड होती है सारे बेटे अफेक्टेड, सारे सारे सन 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 भी और डॉटर प्रोजेनी जितनी भी होती सारी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In a family, father had trait but mother did not. Okay. Father में है, mother में नहीं है। हाँ। इसका मतलब ये तो जैसे फिर सुनिए जी आगे क्या है? All their son and daughter had this trait. उनके son में भी और daughter में भी है। ठीक है। The same trait was found in some granddaughter. Through daughter were married to a normal person. Choose the correct pedigree chart for the character, है ना? तो यहाँ पे लिखा कि family के अंदर father में trait है, लेकिन mother में trait नहीं है। तो father में है, लेकिन mother में नहीं है। एक ही option ऐसा है। इस पहली line से यहाँ चुरा जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें दोनों में। हाँ। इसमें दोनों में नहीं। और इसमें mother में है, father में नहीं। इसका मतलब अपना पहले यहाँ से। पहले ही हो जाएगा। फिर भी satisfy कर देते हैं इसको। और इसके बाद कह रहा है, all their son and daughter had this trait। इसका मतलब ये बच्चा इनका है, ये इनका है, और ये इनका है, ये तो जवाई है सारा का, ये इनका जवाई है, बटे वो हो गए तो ठीक है, दूसरी जनरेशन से आया है। अगली बात कर रहा है, द सेम ट्रेट वाज फाउंड इन सम ग्रैंड डॉटर, इसका मतलब ये जो है ना, इनकी पोतियां कौन है, इसमें भी ये पोती है और ये पोती है इनकी, ठीक है, दोहितियां कह सकते हैं, दोहितियां, हां बिल्कुल, हां दोहितियां हो जाएंगी, और दोहितियां हो जाएंगी नहीं, दोहिती, हां दोनों बेटियों की शादी हुई है, दोहितियां होगी, लेकिन सब में नहीं है, इसका मतलब सब सम काम में लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। थ्रू डॉटर मैरिड टू नॉर्मल पर्सन, इस डॉटर की मैरिज नॉर्मल से, इस डॉटर की मैरिज नॉर्मल से, सेटिस्फाई हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक पेडिग्री चार्ट, व्हाट डज इट शोज, क्या दर्शाता है, रिसेसिव पहले तो बात, हाँ, और मेल में फिर मतलब ऑटोसोमल हो गए, इक्वल नंबर अफेक्टेड है, तो इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक सिस्टिक फिब्रोसिस, ऑटोसोमल रिसेसिव होंगे तो परफेक्ट हो गया, ठीक है, और देखिए इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिजीज हीमोफीलिया, अब इसको देख लेते हैं, हाँ, अगर इसको हीमोफिलिक बनाओ ये दिन सर, तो ये बनी, इसको हीमोफिलिक बनाओ तो ऐसा क्वेश्चन अभी देखा, लेकिन फादर नॉर्मल है, लेकिन फादर नॉर्मल है, इसका मतलब हम लोग किसके लिए नहीं जाएंगे, ये तो नहीं जाएंगे बिल्कुल, सेक्स लिंक इनबोर्न एरर नहीं, ये ऑटोसोमल पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, रॉन्ग क्यों है, सेल ऑप्शन जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें कैन नॉट बी पॉसिबल पूछा है इसमें जी, मदर में डिजीज है और सारे बच्चों में, हां फिर इस मदर में डिजीज है लेकिन सन में, लेकिन इस बेटी में नहीं है, है ना, और फिर फादर में डिजीज है इसके अंदर नहीं है, और इसमें साइटोप्लाज्मिक डीएनए नहीं है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको देखें कि ये जो है डोमिनेंट हो सकता है, हो सकता और है। ये रिसेसिव भी हो सकता है, लेकिन ऑटोसोमल या
एलोजोमल उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक चीज देखना सुनिए कि इस डॉटर में डिजीज है जी लेकिन फादर नॉर्मल है, इसका मतलब एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फॉर एग्जांपल अगर इसको एक्स ही ले लेते हैं तो ये फादर एक्स ही वाई होना चाहिए था। इसका मतलब ऑटोसोमल क्या नहीं होगा, एलोसोमल रिसेसिव हटा देते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव हटा दिए जी। क्यों, अब डोमिनेंट की बात करते हैं कि अगर इसमें डिजीज है डोमिनेंट में जी तो यहाँ आप लोग देखें कि ये देखो इसमें जैसे चलो शुरुआत से आते हैं कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्यों जी, बिल्कुल एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के रेस्पेक्ट में ये एक्स और एक्स कैपिटल डी स्मॉल डी भी हो सकता है और कैपिटल डी एंड कैपिटल डी भी हो सकता है। अब हो सकता है कि लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए देख रहे हैं, डोमिनेंट के लिए देख रहे हैं इस डॉटर में डिजीज और डॉटर में डिजीज तो हो सकता है कि ये डॉटर में डिजीज है, इसका मतलब कंडीशन क्या रही होगी एक्स डी या स्मॉल एक्स रह सकता है क्योंकि फादर में डिजीज नहीं है। एक भी अगर डोमिनेंट आएगा तो डिजीज हो सकती है, सॉरी जी जी एक भी अगर डोमिनेंट आएगा तो डिजीज हो सकती है। अब इस सन में डिजीज फादर से तो वाई आ जाए और इधर से x कैपिटल डी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है, यहाँ पर भी वही चीज है, ये भी पॉसिबल है। और इस डॉटर के अंदर अगर अपन देखें x एंड x ये d और ये स्मॉल d फादर वाला, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि x एंड y और ये जो मदर है इससे डॉटर के अंदर हो सकता है x और फादर से x आए ये नॉर्मल हो गया और इस सन के अंदर x एंड x सॉरी y तो मदर सी डी आ गया, पॉसिबल है बिल्कुल क्लियर। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है एक्स एक्स कैपिटल डी नहीं है और वाई एक्स एंड एक्स नॉर्मल वाला, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी चेक कर लेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव देख लेते हैं एक बार मिटा दें क्योंकि डोमिनेंट वाला तो अपने यहाँ पे अच्छा डोमिनेंट डिजीज है देख रहे थे क्योंकि रिसेसिव वाला है तो इसको एक बार रब कर देते हैं जी। अब ऐसे ही अपन देख लें कि ऑटोसोमल रिसेसिव तो अपने ये तीन सर अपने तो वो हटा दिया ना एक्चुअली रिसेसिव हटा दिया यहां से, हां एक्चुअली रिसेसिव हटा और आपने से पूछ के रहा है कैन नॉट पूछ कैन नॉट बी तो फिर उससे आंसर को आ गया तो आंसर जो है ये अपना फिर भी ऑटोसोमल रिसेसिव बता देंगे। हां बिल्कुल बता दें, स्मॉल एज स्मॉल और इन सब में डिजीज है, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस रहा ये हेटेरोजाइगस और इसमें डिजीज इसमें आपको निकाल कर हमने बताया क्या नहीं होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा, नहीं होगा क्यों जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। गिवन पेडिग्री चार्ट शोज क्या दर्शाता है, फादर अफेक्टेड है होलैंडिक लग रहा है और लेकिन होलेंट्रिक होता तो फादर अफेक्टेड सन अफेक्टेड लेकिन इसमें आ नहीं रहा ना बिल्कुल बिल्कुल तो वाई लिंक इनहेरिटेंस तो नहीं होगा। अगली बात, हर जनरेशन में एक्सप्रेस भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं होना चाहिए तो फिर रिसेसिव एक्स लिंक हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं एक्स सी वाई कंडीशन होगी, एक्स सी वाई होगी और ये कैसा है उसमें किसी में है नहीं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो इसी की है, ये भी बन सकता है वैसे तो और वैसे एक्स एक्स सी ये भी बन सकता है लेकिन ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि इधर से एक्स ही आएगा फिर है ना। इसका मतलब सुनिए जी इसमें फादर से तो ही आता है, हां वही आ गए और मदर से आया तभी इस सन के अंदर एक्स सी और फादर से वाई वाला जी है ना बिल्कुल। फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसमें डिजीज है, इसको मतलब इसके हेटेरोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस एक्स एक्स ही रहा है क्यों बिल्कुल और इसको मतलब ये तो फिर पॉसिबल है तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन 241 यहाँ पे हर जनरेशन में डिजीज है जी और यहाँ अगर देखें तो फीमेल में डिजीज है और इसके अंदर मेल में भी और फीमेल में भी दोनों में है ना जी तो डोमिनेंट हो सकता है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है सेकंड में भी और सेकंड में थर्ड में भी हाँ क्यों। और अगर अपन इसको एक्स लिंक डोमिनेंट अगर देखें तो जैसे फादर में डिजीज है तो फादर से वो एक्स सब में गया होगा डॉटर में सब में गया होगा सब में डिजीज आ रहा है डॉटर में और यहाँ से जैसे अगर इसको अपन हेटेरोजाइगस में माने जी तो जो मदर है उससे वो एक्स सन में भी गया होगा और डॉटर में भी गया होगा एक्स लिंक डोमिनेंट तो बन रहा है ठीक है वाई लिंक और ये वाली कंडीशन हो सकती है ये हो या फिर हो सकता है पॉसिबल
और क्योंकि रोटर अफेक्टेड है इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो फिर ये वाली कंडीशन क्या बन गई, एक्स एक्स सी, ये वाली कंडीशन बन गई ओके हां हो गई क्योंकि डिजीज, और ये डिजीज नहीं है तो ये एक्स वाई बन जाएगा जी। ये एक्स वाई बन गया, इसका मतलब है ये डॉटर डिजीज नहीं बन सकती फिर, ये डॉटर तो एक्स सी आने पर ही बनेगी। फादर पे ये रिजेक्ट हो गया, यहां पता लग गया, यहां पता लग गया ये एक्स लिंक रिसेसिव और वाई लिंक तो मतलब ही नहीं है, वाई लिंक का मतलब क्योंकि वो पहले बता दिया आपको। तो करेक्ट ऑप्शन डोमिनेंट एक्स लिंक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हां हां आज तक के ये क्वेश्चन हो गए, आज 241 तक की क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं भैया। पेडिग्री के मेन चीज यही होती है यतिंद्र सर, पेडिग्री की तैयारी बच्चों को इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि न्यूमेरिकल्स नहीं मिल पाते हैं उनको, और हमने भरमार दी है आपको न्यूमेरिकल की, सभी प्रकार की पेडिग्री की पॉसिबिलिटी जो है वो आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है भैया, तो ये अपना लेक्चर नंबर 6 हुआ, और जो लास्ट लेक्चर रहेगा जेनेटिक्स का वो आपको डे आफ्टर टुमारो जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर और म्यूटेशन की उसमें बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं परसों के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।